हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ, बट उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है अन अकेडमी की तरफ से। देखो, अन अकेडमी पर लाइव क्लासेज हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट की स्टार्ट हो रही हैं पहले से, बट अभी अपना भी एक कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। तो वहाँ पर आप IR का एक तो कोर्स है अपना, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी क्लासेज भी स्टार्ट हैं, वो की जा रही हैं, और ज्योग्राफी की क्लासेज हैं, और देखो जो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। बट हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस हैं वो केवल और केवल हिंदी में होंगी। मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस आपको जो स्लाइड्स PPT सब कुछ हिंदी में मिलेगा, और बाकी जो हैं इनकी स्लाइड्स हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होंगी, जैसे अपन डिस्कस करते हैं, वो कंटेंट जैसे एज यूजल हम डिस्कस करते हैं वही मेथड है यहाँ पे रहेगा। बाकी रही बात देखो हमारी न्यूज़ की, तो न्यूज़ देखो आपको बताया कि हम डेली हमारी डिस्कस है वो कर ही रहे हैं, और भी कोई इसमें अपडेट करना हो किसी तरीके का तो उसके बारे में आप सुझाव है वो बेझिझक दे सकते हो। हाँ, अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो Devinder Singh 27, इससे आपको 10% डिस्काउंट है वो वहाँ पे मिल जाएगा, चाहे कोई भी आप कोर्सेज ज्वाइन करते हो। कोर्सेज सारे हैं वो एक तरीके से मंथली सब्सक्रिप्शन है, 6 महीने का, 3 महीने का, वो वहाँ पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो। अब देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वो आई है पोषण माह के बारे में, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के बारे में। देखो, आपको पता है गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इस साल का जो सितंबर मंथ है उसको पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे मनाया जाएगा। तो क्या है यह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, वो हम देखते हैं। इससे पहले हम एक बार गवर्नमेंट का एक पोषण अभियान था उसको हम गौर कर लेते हैं। देखो, पोषण अभियान है वो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था राजस्थान के झुंझुनू से, जिसका मेन मोटो ये था कि भाई हमारे देश में जो कुपोषण की प्रॉब्लम है इससे निपटा जा सके। अब इसमें अलग अलग टारगेट रखे गए हैं, वो हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। देखो, इसके बेसिकली जो मेन टारगेट हैं वो तीन हैं। एक तो है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग हाइट है वो नहीं बढ़ रही है। इसके बाद में एक आता है अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि भाई साहब कुपोषण का आप ये वो मतलब समझ सकते हो कि न्यूट्रिशंस वगैरह कम है, सही ढंग से खाना है वो डाइट है वो नहीं मिल रही है। इसके बाद में एक है एनीमिया और लो बर्थ वेट। एनीमिया देखो मेनली रक्त की कमी से होता है और ये महिलाओं में ज़्यादा वो देखा जाता है। हमारे देश में लगभग 50% महिलाएँ हैं वो या फीमेल हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके साथ ही लो बर्थ वेट है बच्चों में, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट ने अगर मतलब इन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान देने के लिए पोषण अभियान वो जारी किया कि भाई सभी लोगों को अच्छा खाना मिल सके, और जो हमारे देश में माल न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम हो रही है कुपोषण से, इनसे हम निपट सकें। इसके लिए अलग अलग टारगेट्स ग्रुप रखे गए हैं, जैसे कि किशोर लड़कियों को टारगेट रखा गया है, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, जो लैक्टिंग वुमेन होगी यानी कि जो दूध पान कराती हैं उनके लिए, और अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। पोषण अभियान का जो कवरेज है वो ये है कि भाई 2020 तक इंडिया के सारे स्टेट्स और यूटीज हैं सभी जिलों में इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट है वो कर दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में कुछ जिलों में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके ऑल इंडिया में इसको इंप्लीमेंट है वो किया जाएगा। अब देखते हैं हमारी न्यूज। न्यूज़ ये थी कि जो सितंबर मंथ है उसको पोषण माह के तौर पे मनाया जा रहा है। मतलब होगा क्या, पोषण माह मनाने का मतलब यहाँ पे यह है कि सभी लोगों को पोषण यानी कि खाने पीने के बारे में ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर की जाएगी। यह जो इनिशिएटिव है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री और इसी के साथ ही नीति आयोग। अब देखो, नीति आयोग जिन जिन में शामिल होता है ना वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि UPSC कई बार पूछ लेती है और नीति आयोग ज़्यादा कामों में शामिल नहीं होता है, तो यहाँ पे नीति आयोग शामिल है तो आपको इसके बारे में ध्यान है वो रखना है। और इसके साथ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसमें शामिल हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस करवाने के लिए एक जन आंदोलन है वो चलाया जाएगा, ताकि सभी लोगों को न्यूट्रिशंस की वैल्यू पता चले, किस तरीके से हमें खाने की डाइट है वो रखनी चाहिए, वो सारी बातों की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड लोगों को की जाएगी। अब देखो, इस प्रोग्राम की अलग अलग थीम रखी गई हैं। जैसे एक थीम यहाँ पे है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल का मतलब यहाँ पे होता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी देखभाल संबंधित, उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर। और इसी के साथ ही हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग हो गई। इसी के साथ ही अलग अलग थीम देखें तो एनीमिया भी एक थीम रखी गई है, ग्रोथ मॉनिटरिंग थीम रखी गई है, गर्ल्स एजुकेशन एक थीम रखी गई है। इस तरीके से अलग अलग थीम है वो रखी गई है, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन भी इसकी एक थीम है। मतलब इन इन चीज़ों से आप पोषण के बारे में अच्छी डाइट आप बोल सकते हो कि पोषण का अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, इसके लिए मंथ है वो मनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है एक कैंपेन के बारे में, जो कि है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। क्या है ये कैंपेन वो देखते हैं।
देखो कैंपेन तो आप देख के समझ गए होंगे ऑब्वियसली कि हेल्थ मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ चल के फिर आगे हम हमारे कंटेक्स्ट को अच्छे से कवर है वो करेंगे। देखो यूनाइटेड नेशन ने टारगेट ये रखा है कि भाई 2030 तक हम ग्लोबल लेवल पे टीबी है इसको ख़त्म करेंगे, यानी कि ग्लोबल लेवल पे टीबी को 2030 तक हम एलिमिनेट है वो कर देंगे। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट तो एडवांस है, इंडियन गवर्नमेंट ने तो यह कहा कि देखो भाई हम 2030 तक नहीं रुकेंगे, हम 2025 तक ही टीबी को ख़त्म करेंगे। और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े कैंपेन्स हैं वो भी चलाए गए हैं, और इसी के तहत ही एक प्रोग्राम चलाया गया है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। इस कैंपेन का एम ये है कि हमारे देश में जितनी भी टीबी केयर सर्विसेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में उनकी एक्सेस सभी लोगों तक होनी चाहिए, मतलब जो टीबी के पेशेंट है ना वहाँ तक सभी लोगों तक एक्सेस होनी चाहिए टीबी जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी। तो एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं उनकी एक्सेस आम लोगों तक, यानी कि जो टीबी से पीड़ित हैं उन लोगों तक पहुँचाने की बात यहाँ पे की गई है 2022 तक। इसके साथ ही इसके तीन पिलर रखे गए हैं। एक पिलर तो यह कि क्लिनिकल अप्रोच, कि भाई साहब हॉस्पिटल हैं जो छोटे छोटे क्लिनिक हैं इनके अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो भी एक अहम है, क्योंकि देखो पब्लिक हेल्थ के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और एक आता है यहाँ पे एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेंट। देखो कम्युनिटी ही को ही पता होता है एक्चुअली, जैसे आप जानते हो कि लोकल एरिया में किसको टीबी है किसको नहीं है, ये डॉक्टर्स को थोड़ी पता रहेगा पहले, ये तो लोकल एरिया में जो आसपास के लोग रहते हैं कम्युनिटी उनको ही पता होता है कि हाँ भाई इस आदमी को टीबी है नहीं है। तो एक तरीके से लोग भी अवेयर हों, और लोग क्या है कि एक जन आंदोलन चाहिए, लोगों को सभी को अवेयर किया जाए कि भाई टीबी जैसी खतरनाक बीमारी है तो इसके लिए गवर्नमेंट फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रही है, अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। इस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसके बाद में सपोर्टिंग एस्पेक्ट कौन से हैं वो हम देख लेते हैं इस कैंपेन के। देखो एक तो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि हर जगह गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल नहीं खोल सकती, प्राइमरी हेल्थ केयर खोलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये भी एक्चुअली टीबी के लिए लड़ें, और ये भी एक सुदृढ़ अच्छा प्रोग्राम दिखें कि हाँ भाई हमें टीबी को ख़त्म है वो करना है। इसके साथ ही पेशेंट भी सपोर्ट करें। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जानबूझ के छुपाते रहते हैं और फिर टीबी एक से दूसरे लोगों में भी फैलती रहती है, तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है वो हो जाती है। इसके साथ ही पॉलिटिकल विल तो देखो हमेशा ज़रूरी होती है, जब तक नेता हैं वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे, पॉलिसी को सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन, अब बात आती है प्रशासन की, कि भाई प्रशासन को भी अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा सभी लेवल पे ताकि टीबी से निपटा जा सके। तो ये इसके सपोर्टिंग आप एलिमेंट्स है वहाँ पे बोल सकते हो। अब देखो गवर्नमेंट को क्या क्या इंश्योर करना है इसके लिए। गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि भाई जितने भी पेशेंट हैं उनको प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल कहीं भी हो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई है, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन से टीबी की वो मिले, और उनको जब तक टीबी उनकी ख़त्म ना हो जाए तब तक उनको मॉनिटर किया जाए। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन ना ज़्यादा शेयर नहीं करते गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह तक, और खुद हैं वो पैसे लेते हैं इलाज के, तो इसलिए होता क्या है कि वो पेशेंट है वो बेचारा दवाई ले नहीं पाता है महंगी, और इसकी वजह से टीबी है वो और लोगों में फैलती रहती है। तो होना क्या चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर खुद नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करें, गवर्नमेंट को डाटा प्रोवाइड करें कि भाई इतने लोगों को टीबी है, तो या तो फिर गवर्नमेंट है वो मेडिसिन प्राइवेट सेक्टर को दे कि भाई आप ठीक है इनको दवाई है मेडिसिन है वो डिलीवर करो, और लास्ट टाइम तक उनको मॉनिटर किया जाए कि हाँ भाई टीबी जब तक ठीक हुई है नहीं है इसके बाद तक उनको मॉनिटर किया जाए ताकि कन्फर्म हो जाए कि हाँ भाई टीबी को एलिमिनेट किया जा चुका है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं टीबी के बारे में। और देखो टीबी है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो बैक्टीरिया का नाम तो आप इजीली वहाँ पे एग्जाम में देख सके टिक मार्क कर सकते हो। अब बात ऐसे कुछ फैक्ट है यहाँ पे, देखो टीबी है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है लोगों की डेथ होने का। इवन अगर हम बात करें एचआईवी एड्स से भी जितने लोगों की जाने जाती हैं उससे ज़्यादा जाने जाती हैं अकेली टीबी से। इसके साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं 17 टारगेट्स हैं उसमें जो टारगेट 3 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है उसका मोटो क्या है कि सभी को एक अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाए। तो अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 3 है इसमें भी फिर पार्ट हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे 3.1, 2, 3, 4 इस टाइप के। तो जो टारगेट 3 का जो तीसरा पार्ट है इसमें फोकस किया गया है कि भाई हमें टीबी को है वो एलिमिनेट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही जो हेल्थ केयर का टारगेट है उसमें 3.8 का जो टारगेट है 3.8 उसमें फोकस किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो भी टीबी के लिए ओबियसली हेल्प करेगा, और अकेले टीबी को ख़त्म करना है उसके लिए 3 पॉइंट जो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट क्या था 3 है वो भी एक हेल्पफुल है वो यहाँ पे काम करने वाला है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। ऐसे अगर आप फैक्ट एग्जाम में लिख देते हो तो एग्जामिनर को थोड़ा आप
मतलब एक तरीके से प्रभावित है, वो कर सकते हो। अब हम बात करें भाई इंडिया में टीबी का क्या सिनेरियो है। देखो इंडिया में टीबी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो टीबी पेशेंट है इंडिया में वो है अकेले उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही देखें इंडिया में एचआईवी बर्डन की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो एचआईवी एड्स के पेशेंट हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे हैं। मतलब इंडिया में एचआईवी के पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और आपका बता दूं कि एचआईवी एड्स के जो ज़्यादा पेशेंट हैं वो मेनली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है, जहाँ पे अवेयरनेस वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम है वो रहती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कैंपेन भी चलाया था, सनराइज कैंपेन, आई होप आपको ये ध्यान होगा, जो कि एचआईवी एड्स से पीड़ित पेशेंटों के लिए हैं। अगर हम बात करें हमारे देश में वो पेशेंट जिनको एचआईवी एड्स भी है और टीबी भी है, तो उनकी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज मात्रा है वो है नागालैंड में, इसके बाद में आती है कर्नाटका में। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि बेसिकली आपके डायरेक्टली काम आ सकते हैं या फिर आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है ICGS वरा है। ICGS का मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है उसका नाम है वरा, जो कि अभी लॉन्च किया गया था, उसी को लेकर न्यूज आई है। तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ICGS वरा क्या है, कोस्ट गार्ड एक शिप है। अभी इसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक तरीके से कमीशन है वो किया है। देखो यह आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि मतलब 98 मीटर का लेंथ हो गया तो UPSC नहीं पूछती, बट ये ध्यान कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि डिजाइन और डेवलप किया गया है LNT लार्सन एंड टर्बो, जो हमारी कंपनी है LNT उसके द्वारा इसको डेवलप है वो किया गया है। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पाइका रिवेलियन या पाइका पाइका विद्रोह। तो क्या है पाइका विद्रोह वो हम देख लेते हैं। देखो ये बेसिकली हुआ था 1817 में, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हुआ था, और हुआ कहाँ पे था, उड़ीसा में। इसके बाद में हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये देखते हैं कि किस टाइप का मूवमेंट था ये। तो यह देखो ये पीजन मूवमेंट था, यानी कि किसान विद्रोह था, ये आपको ध्यान में रखना है। UPSC ऐसे पूछ लेती है कि भाई कौन सा टाइप का मूवमेंट वगैरह था ये। 1817 में हुआ था, किसान विद्रोह है, पीजन मूवमेंट है, और उस टाइम पे जो इसके लीडर थे वो थे बक्सी जगबंधु, और इसी के साथ एक थे जगन्नाथ, उन्होंने बेसिकली इस मूवमेंट को लीड है वो किया गया था। और नेचर के तरीके से हम बात करें तो यह नेशनलिस्ट मूवमेंट था, यानी कि एक राष्ट्रीय आंदोलन था। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो देखो यह ट्रेडिशनल जो, अब बात आती है कि भाई पाइका थे कौन, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है कि पाइका थे कौन। जिस तरीके से देखो हमारे नॉर्थ इंडिया में जागीदार होते थे, जमींदार होते थे, उसी तरीके से जो हमारा उड़ीसा वाला स्टेट था, इस वाले स्टेट में जो जमींदार वगैरह होते थे उनको बेसिकली पाइका नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब एक तरीके से लैंड के जमींदार जमींदार टाइप के होते थे, और वहाँ पे जो छोटी मोटी आर्मी वगैरह का काम भी, योद्धा वगैरह का काम भी ये किया करते थे, वहाँ पे इनको बेसिकली मिलिशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको वहाँ के जो राजा थे उड़ीसा के, उन्होंने उनके द्वारा बेसिकली जो 16th सेंचुरी थी, यानी कि 16वीं शताब्दी थी, उसमें ये पाइका जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। पाइका मैंने आपको बता दिया कि वहाँ के जमींदार थे, जिस वजह से हमारे नॉर्थ इंडिया में जमींदार हुआ करते थे, जागीदार। अब आपको बताएं कि पहले जमींदार को केस में सैलरी तो दिया नहीं की जाती थी, तो उनको क्या किया जाता था, जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, और उस पर टैक्स वगैरह नहीं वसूला जाता था। मतलब फ्री एक तरीके से लैंड दे जाता था कि भाई आपको ना तो इसका रेंट देना है ना कुछ, और ये आपकी ज़मीन है, आप इस पर खेती करो करो किसी से, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से एक तरीके से उनको जागीर है वो बना दी जाती थी, और उनको टाइटल भी दिया गया था जिसका नाम है निस्कर जागीर। तो ये आप ध्यान रखना, निस्कर जागीर है, मतलब जो ये पाइका रिवेलियन के जो पाइका थे, मतलब ये जवान टाइप के लोग थे, जमींदार टाइप के, इनको जो जागीर दी जाती थी उसका नाम था निस्कर जागीर। तो ये थी न्यूज़। इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड के बारे में। देखो हर साल सरदार पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो इस बार उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही जो सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड है वो दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों के ये अवार्ड हैं वो दिए जा सकते हैं, और एक तरीके से ये अवार्ड दिए जाते हैं, होम जो अफेयर मिनिस्ट्री है वो इसको इश्यू करती है, और वैसे ही अवार्ड है वो कंफर्म किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें कोई पुरस्कार की वैसे राशि नहीं जाती, मतलब कोई कैश वगैरह नहीं दिया जाता, बस एक तो आप प्रमाण पत्र टाइप का वो बोल सकते हो, और इसी के साथ ही एक सील है इस तरीके का वो है वो प्रोवाइड है वो किया जाता है। यह इंडिया का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसके लिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब कि वो पर्सन जिसने इंडिया के यूनिटी, इंडिया को एक करने के लिए, इंडिया के अंदर जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए काम किया है, उसको बेसिकली इस अवार्ड से नवाजा है वो जाता है।
तो ये इसको लेके कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है क्वांटम सुपरमेसी के बारे में। देखो सबसे पहले वर्ड है क्वांटम, तो बेसिकली आपको बता दूँ कि क्वांटम है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। अब देखो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखना क्वांटम का फिजिक्स में मतलब ये होता है कि एक मिनिमम अमाउंट जो कि कोई भी एक फिजिकल एंटिटी है उसके लिए होती है। जिस तरीके से आपको पता है कि कोई भी पदार्थ होता है उसकी सबसे छोटी इकाई है उसको हम बेसिकली परमाणु या एटम के नाम से जानते हैं ना, उसी तरीके से फिजिक्स में आप ये समझ सकते हो कि क्वांटम एक तरीके का मतलब एटम टाइप का ही है। बस इतना ध्यान रख लेना। न्यूज़ क्या है वो इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ यहाँ पे ये आई है कि गूगल कंपनी है ना जो, उसके रिसर्चर्स ने अभी क्लेम किया है कि भाई उन्होंने क्वांटम सुपरमेसी की हेल्प से कंप्यूटर का यूज है वो किया है। तो ये आप न्यूज़ ध्यान रखना, यूपीएससी ये पूछ सकती है कि क्वांटम सुपरमेसी का जो यूज है वो किसने किया है, फेसबुक ने, गूगल ने, यूट्यूब वगैरह किसने, तो ये यूज किया है गूगल रिसर्चर्स ने, क्या क्लेम किया है कि भाई उन्होंने क्वांटम सुपरमेसी का यूज करके जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ भी है वो सॉल्व किया है। ये कंटेक्स्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वांटम सुपरमेसी का वैसे मतलब ये होता है कि भाई रिसर्चर्स हैं वो नॉर्मल जो हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं इससे कोई भी ऐसी इक्वेशंस होती है जिसको परफॉर्म नहीं कर पाते, उसको उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से अंजाम है वो दिया है। अब क्वांटम कंप्यूटर काम कैसे करते हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो नॉर्मली आपने ये तो सुना होगा कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह जो भी हैं, इनमें हम जो इनपुट देते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में दिया जाता है। ये तो आई होप आपने सुना होगा बिट्स की फॉर्म में कि भाई 0 1 बिट्स होती हैं, 0 1 0 1 इस तरीके से इनको इनपुट है वो दिया जाता है। बट जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ना इनमें जो इनपुट है ना वो बेसिकली क्वांटम बिट के रूप में दिया जाता है, या फिर उसको दूसरा नाम है वो भी है क्यूबिट। तो ये आप ध्यान में रखना कि क्वांटम की जो कंप्यूटर की सबसे लॉजिकल यूनिट छोटी यूनिट है जिसका नाम है क्वांटम बिट्स, या फिर उसको क्यूबिट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए 2 इन्फॉर्मेशन है कि इस क्वांटम सुपरमेसी का यूज़ किसने किया है और क्वांटम कंप्यूटर में किस लॉजिक का यूज़ है वो यहाँ पे हो रहा है। ये 2 चीज़ें आप ध्यान है वो रख लेना, बस काम हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।